हेलो फ्लायर्स, होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आई एम अर्पित शर्मा फ्रॉम एविएशन स्कूप और आज हम बात करने वाले हैं एयर इंडिया के बारे में। तो नेशनल कैरियर है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ही ज़्यादा अनपॉपुलर भी है किसी किसी केसेस में। और काफ़ी ज़्यादा एयर इंडिया के बारे में आजकल चर्चा चल रही है कि एयर इंडिया सेल होने वाला है गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि अब एयर इंडिया प्राइवेटाइज होगा। तो ये क्या सच है? तो इसमें आधी सच्चाई ज़रूर है कि एयर इंडिया डेफिनेटली गवर्नमेंट जो है वो प्लान कर रही है उसको सेल करने का। तो ये बहुत ही बड़ी खबर है, बट इसमें एक हिस्ट्री भी है, कुछ कुछ अभी कंट्रोवर्सी भी हुई है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बट पहले एयर इंडिया की प्राइवेटाइजेशन की हिस्ट्री देखते हैं। सबसे पहले तो एयर इंडिया की प्राइवेटाइजेशन की बात अभी नहीं चल रही है, काफी पहले से चलती आ रही है। अभी करीब 2 साल पहले भी गवर्नमेंट ने ट्राई किया था एयर इंडिया में स्टेक सेल करने का, बट वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी क्योंकि कोई इंटरेस्टेड बायर ही नहीं मिला था, कोई ऐसी कोई पार्टी नहीं गवर्नमेंट को मिल पाई थी जो इंटरेस्टेड हो एयर इंडिया को खरीदने में। तो उस टाइम बात यह हुई थी कि एयर इंडिया में कुछ एक पार्शियल स्टेक गवर्नमेंट सेल करेगी 70% से थोड़ा सा ज़्यादा। तो 70% जो स्टेक है वो एक प्राइवेट कंपनी ओन करती है और बाकी जो रेस्ट ऑफ द स्टेक है वो गवर्नमेंट ओन करती। तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट जो प्राइवेट बायर्स था उनको पसंद नहीं आया, तो उस केस में ये हुआ था कि जो एयर इंडिया की सेल थी वो फॉरवर्ड नहीं जा पाई थी, वो हो नहीं पाई थी सक्सेसफुली। बट अब इस बार गवर्नमेंट ने जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी बदल दी हैं, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने कहा है कि वो 100% स्टेक सेल करेगी एयर इंडिया में। यानी कि जो भी प्राइवेट बायर जो आएगा एयर इंडिया को लेने, जो सबसे बड़ी बोली लगाएगा एयरलाइन के लिए, उसको पूरा 100% एयरलाइन का स्टेक मिल जाएगा। तो ये सबसे बड़ी ध्यान में रखनी बात है अभी गवर्नमेंट की तरफ से जो एयर इंडिया की सेल है उस बारे में। तो अगर हम बात करें कि प्रोग्रेस इस केस में कितनी हुई है, तो गवर्नमेंट ने कहा है कि वो ऑलरेडी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जिसको EOI भी कहते हैं, जिससे वो बिड्स को इनवाइट करते हैं, वो ऑलरेडी प्रिपेयर करना गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया है। तो ये एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट की बाय मार्च 2020 यानी कि वो जो एयरलाइन है वो उसकी सेलिंग प्रोसेस को फाइनलाइज कर देगा, और काफ़ी ज़्यादा ये सेलिंग प्रोसेस आगे बढ़ चुका होगा नहीं तो। अब इधर पे बात आती है कि एक जो अभी कंट्रोवर्सी रिसेंटली हो गई थी पार्लियामेंट में, तो जो जूनियर सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, उनने अभी कहा था कि जो एयर इंडिया अगर सेल नहीं होता है तो ऐसा हो सकता है कि एयर इंडिया को शटडाउन करना पड़े। तो ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो जाता है। तो अगर हम इसमें देखें कि इसके इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है एयर इंडिया के लिए, तो अगर एयर इंडिया अभी शटडाउन हो जाता है तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि सेकेंड जो मतलब कि कैरियर है 169 प्लेन्स के साथ में, तो ये जो कैपेसिटी है इंडस्ट्री में वो सिग्निफिकेंटली एकदम से कम हो जाएगी अगर एयर इंडिया बंद हो जाता है तो। तो अगर आपने देखो, अगर जेट एयरवेज के केस में बहुत सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी, बहुत सारे लोगों को परेशानी झेलना पड़ी थी, और बहुत सारे जो फ्लाइट्स हैं वो स्लॉट्स खाली हो गए थे जो कि एयरलाइंस ने तुरंत ही ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिए थे राइट नेक्स्ट डे, तो ऐसा ही सेम एयर इंडिया के केस में हो सकता है। अब इधर पे आपको ये सवाल आ रहा होगा दिमाग में कि एयर इंडिया को सेल क्यों किया जाए। तो एयर इंडिया को सेल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो डेट और जितना जो फंडिंग है गवर्नमेंट के पास में वो एयर इंडिया को चलाने के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो अभी इधर पे एयर इंडिया के पास में टोटल 22,000 करोड़ की जो ड्यूज़ हैं वो अभी पड़ी हुई है सामने, जो कि एयर इंडिया को देनी है, और ये वेरियस सोर्सेज को देनी है। तो कुछ जो है वो जो टिकट बुकिंग के जो उनको रिफंड्स करने वो उनको देनी है, कुछ ऑयल कंपनीज को भी एयर इंडिया को पैसा लौटाना है जो कि अभी एयर इंडिया मुश्किल में फंसा हुआ है जिनके कारण। तो अगर आपको याद होगा कुछ महीने पहले भी एयर इंडिया थोड़ी सी मुश्किल में पड़ गया था क्योंकि ऑयल कंपनीज ने रिफ्यूज़ कर दिया था रिफ्यूलिंग से कुछ कुछ एयरपोर्ट्स में, तो भी कुछ फ्लाइट्स कैंसिल हुई थी एयर इंडिया की। तो इधर पर आप देख सकते हैं कि एयर इंडिया की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो उतनी अच्छी नहीं दिख रही है, और अभी कुछ साल पहले ही गवर्नमेंट ने 28,000 करोड़ एयर इंडिया में इन्फ्यूज़ किए थे। तो अब इधर पे क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि क्या गवर्नमेंट फिर से इन्फ्यूज़ करके एयर इंडिया को वापस रिवाइव नहीं कर सकती। तो अभी ये गवर्नमेंट ने कहा है कि वो अभी इस प्लानिंग में नहीं है कि वो फंड्स को इन्फ्यूज़ करे राइट नाउ। तो जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट वाला जो प्रोसेस है, जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है, वो ऑलरेडी आगे बढ़ना शुरू हो गया है क्योंकि गवर्नमेंट ने मना कर दिया है कि वो अभी फंड्स इन्फ्यूज़ नहीं करेगी। तो इसमें अब हमें आगे देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट की जो सेल है एयर इंडिया की वो कितना अट्रैक्शन देखती है, कितने प्राइवेट बायर्स आके एयर इंडिया के लिए बिड करते हैं, और या फिर कोई एक बायर एयर इंडिया का मिलता है कि नहीं गवर्नमेंट को। तो अगर कोई बायर मिल जाता है तो 100% जो एयर इंडिया है वो प्राइवेटाइज हो जाएगी, और अगर बायर नहीं मिलता है तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि एयर इंडिया की जो सिचुएशन है वो किस तरीके से पैन आउट करती है। तो इसमें एम्प्लॉयज़ यूनियन ने भी एक स्टेटमेंट कहा है कि जो हरदीप सिंह पुरी जी का जो स्टेटमेंट था एयर इंडिया के शटडाउन होने के बारे में वो काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट नहीं है, ये एयरलाइन के प्रॉस्पेक्ट को हर्ट करता है थोड़ा सा। तो ये उनने रिक्वेस्ट करी है मिनिस्टर से कि वो अपने स्टेटमेंट को वापस लें, और फ्यूचर में ऐसे कोई स्टेटमेंट करने से उन्हें मना किया है एयर इंडिया के एम्प्लॉयज़ यूनियन ने।
तो ये हम देख सकते हैं कि आने वाले महीनों में हमें और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ पता चलेंगी कि एयर इंडिया की सेल किस तरीके से हो रही है, कितने वैल्यूएशन पे हो रही है, और या फिर हो भी रही है या फिर नहीं हो रही है। तो आई होप आपको ये पीस ऑफ न्यूज़ अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, पसंद आया, तो लाइक बटन दबाइए और सब्सक्राइब बटन भी दबा दीजिए, क्योंकि हम और भी ऐसे ढेर सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ करते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। होप यू हैव अ गुड डे।